बीजेपी के काफी सीनियर नेता और गोरखपुर शहर से 4 बार विधायक चुनकर आए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे नेता के रूप में होती है। वो हमेशा अपने बयानों और जनता के मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। राधा मोहन दास सीएम योगी के करीबी भी बताए जाते हैं, लेकिन सुनने में आया था कि मंत्री पद न मिलने को लेकर वो सरकार से थोड़ा नाराज भी हो गए थे। वहीं पार्टी ने उन्हें सचेतक पद से भी हटा दिया था। राधा मोहन दास अग्रवाल कभी गोरखनाथ मंदिर के करीबी हुआ करते थे। पहला चुनाव उन्होंने साल 2002 में मंदिर के आशीर्वाद से ही हिंदू महासभा से लड़कर जीता था। इस चुनाव में उन्होंने 4 बार से लगातार जीत हासिल करने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को करारी शिकस्त दी थी। गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन उत्तराधिकारी और वर्तमान महंत प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक शिव प्रताप शुक्ल के खासे नाराज हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ ताल ठोकते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया था। पूरे शहर में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ योगी ने प्रचार और नुक्कड़ सभाएं की। नतीजा ये रहा कि मंदिर समर्पित उम्मीदवार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीजेपी के शिव प्रताप का लगातार जीत को हार में बदल दिया। साल 2007 में बीजेपी ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को अपने सिंबल पर उतारा। इसमें भी राधा मोहन दास को जीत हासिल हुई। फिर 2012 में भी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर राधा मोहन दास उतरे और रिकॉर्ड वोट पाकर जीते, तो साल 2017 में भी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हालांकि पिछले 2 चुनावों से सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक मांग करते रहे हैं कि पार्टी राधा मोहन दास को टिकट ना दें, लेकिन पार्टी अपनी जीत पक्की रखने वाले कैंडिडेट को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं जब प्रचंड जीत हासिल करने के बाद राधा मोहन दास को लगा कि इस बार उनका मंत्री पद पक्का है, लेकिन पार्टी आलाकमानों ने उनका ये सपना भी चूर चूर कर दिया, जिससे राधा मोहन दास को काफी गहरा झटका लगा। उन्होंने अपनी इस बात को सोशल मीडिया के जरिए बताया भी था। इसके बाद राधा मोहन दास तब सुर्खियों में ज्यादा आए जब उनकी नोकझोंक महिला आईपीएस चारू निगम से हुई। दरअसल महिला आईपीएस ने महिलाओं को जबरिया हटवा दिया। उनके साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसमें बुजुर्ग महिला, गर्भवती और एक बच्चे को भी चोटें आईं। थोड़ी देर में ही बीजेपी विधायक भी पहुंच गए। उन्होंने फिर सड़क जाम करवा दिया। थोड़ी देर में ही मजिस्ट्रेट व महिला आईपीएस मौके पर पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट से बात करने के दौरान जब महिला आईपीएस ने विधायक को बीच में टोका, तो उन्होंने सार्वजनिक डांट दिया। विधायक ने आईपीएस चारू निगम से बात करने से मना करते हुए किसी सीनियर को बुलाने का निर्देश दिया। मौके पर एसपी सिटी पहुंचे। विधायक की दांत से आईपीएस चारू रो पड़ी थी। विधायक ने अपनी ही सरकार में उन्होंने एक दिन की जन सुनवाई के लिए गांधी प्रतिमा के पास बैठने का निर्णय लिया, जिसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि बात लखनऊ सीएम ऑफिस तक पहुंची, जिसके बाद विधायक राधा मोहन दास सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने गए, तब ये मामला शांत हुआ। न्यूज डेस्क।